हाय हेलो, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर आई है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती हैं, वहां कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल की उस फ्लोर पर दाऊद की इकलौता मरीज है। शीर्ष अस्पताल अधिकारियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुंच है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद से देश में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर आ रही है। देश के कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। इसके अलावा एक्स अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि रात 8 बजे के बाद से इंटरनेट की स्पीड धीमी कर दी गई है। दुनिया भर की इंटरनेट साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है। अब इसको लेकर पाकिस्तान पत्रकार ने क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने कहा है, सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है और इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसकी हालत काफी खराब है और उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन एक बात इस ओर इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट का सर्वर डाउन कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई बड़ी और गहरी साजिश तो नहीं है, कौन है इसके पीछे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।